फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ड्राइंग स्टार्ट करोगे यही सेम टॉपिक, ठीक है, जो अभी आपको दिखाया, पेंसिल दूर पकड़ना, ये पॉट के लिए पहले समझ लो, सेम टॉपिक बना रहे हैं, पेंसिल दूर पकड़े हैं, ये एक लाइन बनाया, ये देखो हेड पार्ट के लिए वर्टिकली, वर्टिकल वन लाइन, फिर नेक, देन बॉडी, ठीक, एंड वन मोर थिंग, ड्रॉ अ टी, ओके, स्ट्रेट लाइन, देन मेक वन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, वर्टिकल लाइन, देन हियर फॉर नेक हॉरिजेंटल लाइन, एंड अगेन वन मोर हॉरिजेंटल लाइन, इट इज कॉल्ड बॉडी, देन बॉटम पार्ट, लाइक ऐसे करना है। हाँ, ओके ओके। अंडरस्टूड? शोइंग यू द प्रोसेस हाउ यू कैन ड्रॉ दिस दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड इट इन अ इक्वल पार्ट, लाइक सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ आर इक्वल, यहाँ और यहाँ जो है दोनों इक्वल है, करेक्ट? नाउ यू कैन कनेक्ट इट विद सिंपल ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन में लाइन एंड कितनी ट्राई है? टू मेक इट वेरी लाइटली। आई एम शोइंग यू डार्क बिकॉज इफ आई शो यू लाइटली सेंटर इट कैन नॉट बी विजिबल टू यू, दैट्स वाई, बट ट्राई टू मेक इट लाइट, आप लाइट ही बनाओ, मैं छोटा बना पेंसिल दूर पकड़ना, आप देखो मेरा हैंड मूवमेंट, मैं पेंसिल कितना दूर दूर। पकड़ रही हूँ, कोशिश करो एटलीस्ट इस टाइप से पेंसिल को होल्ड करना, और जैसे मैं मूव कर रही हूँ पेंसिल को उस टाइप से मूव करते जाना, ठीक है? Now see, now just remove this basic lines. Okay, and now in this part, just try to make curved line. See the corner, convert into curved line. Done. Yes, ma'am. Okay. Now see the bottom part. This line is also straight, correct? Here also make curve. Join these two points, make a small curve here. Even the upper part also here. Again, make similar small curve. Like this. ये जगह पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ये जो बॉटम पार्ट पे जो लाइन था यहाँ पे हमने जितना डिस्टेंस छोड़ा है ना ये कर्व बनाने के टाइम में, उतना ही आपके ये टॉप पार्ट पे भी छोड़ना होगा, जितना नीचे छोड़ा है उतना ही टॉप पार्ट से ये वाला जो कर्व बनाओगे उतना ही गैप छोड़ना है, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो, हाँ ये वाला कर्व हो गया, तो मेक अनदर कर्व, एंड हियर आल्सो यू हैव टू लीव सिमिलर स्पेस, जैसे यहाँ पे छोड़ा है उतना ही यहाँ पे भी छोड़ना है, चलो मार्क कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, समझो यहाँ पे जितना गैप है उतना ही ऊपर भी रहेगा, नाउ वी कैन कनेक्ट, जितना गैप नीचे छोड़ा है ना उतना ही गैप ऊपर छोड़ो।
हाँ ये नीचे के लिए जो डॉट है ना लाइन, लेफ्ट में डॉट है। और ये होने के बाद आप अभी वापस ये बेस लाइन को इरेज कर सकते हैं। ये बेस लाइन हमने क्यों दिया था, ये हमें ड्राइंग को परफेक्ट बनाने में हेल्प किया, एक्यूरेट बनाने में हेल्प किया। ठीक है, तो ये आपका पॉट बन जाने के बाद आप बेस लाइन रिमूव कर सकते हैं। ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं एप्पल ड्राइंग। ये एप्पल ड्राइंग क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन अगर एप्पल का जो शेप है उसको पहले हम लोग बना ले तो कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये देख, यहाँ पे कैसे हम मैं ऐसे इस टाइप से एक थोड़ा ओवल शेप बना ले। ठीक है, और ये चीज देखना, ये जो पीछे पॉट था उसके ऊपर से गया है ये लाइन। ठीक है, चलो आई डिड। शो मी वन सेकंड, लेट मी शी योर ड्राइंग। यस, बट मेक इट बिग, मेक इट बिग। नेक्स्ट वन लेट्स सी द ऑरेंज, एंड अगेन वी विल यूज दिस पार्ट, वी विल कवर दिस पार्ट ऑफ इट इज ओवरलैपिंग। एंड वन मोर थिंग, ऑब्जर्व हाउ आई एम मूविंग माय हैंड व्हाइल मेकिंग दिस स्ट्राइक्स, दिस सर्कल। डोंट नीड टू पुट प्रेशर, जस्ट मूव इट लाइक दिस फॉर मेकिंग सर्कल। It is also overlapping corner. Done. Okay, very good. Now one more thing. Here we have to draw and make one more circle. Hold your pencil at a distance and make the circle like this. In this part, outline. Let me see first. Now, if you have done with this all baseline, you can remove this corner. See, it is overlapping, so you can remove this corner. Yes. And I want to see this orange on the back side of this pier, so I'm removing this one. It will look like this. Now next we need to develop this fruits. Okay, so for apple, make one curved line like this here. One curved line. Yes. And see, we have done so many extra lines. So we're getting already this circular shape. Now we can remove extra lines. आपने जितने भी extra lines बनाए हो वो भी remove कर सकते हो, बस हमें ये structure मिल गया है। ठीक है, इट इज our final structure for apple. And next one is orange.
simple one small circle will be there here. And some time it is just looking like sun. Small light will be. Here also you can erase the extra lines. What you have to mark over here in this part. And where you have to draw a curved line. The cloth, okay? Yes, ma'am, I finished. Okay. Now next, so from here, make one more curved line. Down some more curve. Done. Second line done. Yes, ma'am, I finished. The third line. Fourth line. No overlapping. Overlapping नहीं है. अलग से बनाया ना लाइनें. ओवरलैप नहीं करना है. एक भी लाइन ओवरलैप नहीं करना है. वन बाय वन करो. कर्व ऐसा दिखना चाहिए. स्पेशली ये जो क्यों दिखाई देखो, ये वाला पोर्शन जो है ये जगह ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जो कर्व लाइन भी आएगा ना ऊपर के हिस्से में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, नीचे थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा भी चलेगा. हाँ, फर्स्ट सेकेंड लाइन आपने बनाया, थर्ड लाइन बनाओ. थर्ड लाइन देखो वहां से आया, यहाँ से कनेक्टेड है ना थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर चलो, ऊपर चलो, यहाँ से, यहाँ से लो. हाँ, ओवरलैप नहीं. A fifth line. Then one more curve here and in spot final. Now remove this line. See, it is a cotton, correct? So, वाला लाइन ये डिलीट पका हुआ है कर ना, तो दो. इसको आपको रिमूव करना है सारे लाइन पॉट कैसे हाफ ये जो पॉट पार्ट वाला पका है हुआ है, पॉट वो इरेज करो. हाँ, का लाइन को रिमूव कर दो साइड में. पॉट कर. ये समझ आए, इसी वे कपड़ा से ढका हुआ है. ठीक है, पहले हमने रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि वो स्ट्रक्चर को समझना प्रॉब्लम हो जाएगा. ये जो पॉट का जो स्ट्रक्चर है उसके किस हिसाब से कपड़े को लेके जाना है वो समझना डिफिकल्ट हो जाता है पहले अगर रिमूव कर दे, इसलिए हमने बाद में रिमूव किया. ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे
टाइम ड्रॉ करना है, टाइम ड्रॉ पेंसिल बुक पकड़ना है। वन लाइन पे एंड वन फुल फिनिश। नेक्स्ट हियर आल्सो वी आर गोइंग टू मेक सम क्लॉथ एक स्लैंटिंग लाइन ओवर हियर अगेन फॉर टू मेक सम कर्व लाइन। नीचे थोड़ा ऊपर कर लेंगे, वो नहीं दिख रहा नीचे। हाँ नाउ थोड़ा आया। हाँ ठीक है। सारे फोल्ड्स को ड्रॉ करो। टेबल के ऊपर एक कपड़ा भी है, उसके फोल्ड्स ड्रॉ करो। ये रहा टेबल का सरफेस, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। वहां पे भी थोड़ा सा फोल्ड के लाइन दे दो, ये पार्ट पे भी दे दो, हल्के से लाइन दो। तो ये सारे लाइंस दिखने नहीं वाले हैं जब हम कलर करेंगे। खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहाँ पे शेडो देंगे, इसके लिए कुछ लाइंस ऐड किया। ऑयल पेस्टल, ऑयल पेस्टल से ही करेंगे। कलर प्रोसेस समझ के करना है। कलरिंग हम लोग डार्क टू लाइट पे जाएंगे, जो भी कलर करेंगे ये ध्यान में रखना। हो सकता है इसमें हम स्टार्टिंग में ब्लैक यूज करें, जो कि मैं आप लोगों को ज्यादातर अवॉइड करने बोलती हूँ, क्योंकि आप लोगों के हाथ का स्टैम्प आता है। लेकिन जब भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करोगे तो आप लोगों को ब्लैक यूज करना होगा। तो इसलिए चाहती हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देखो आज कैसा बनता है। अगर सही बनता है तो हम लोग इस टाइप से और भी कुछ काम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और ब्लैक को अवॉइड करने, स्टैम्प अवॉइड करने के लिए कलरिंग के टाइम में हाथ को ये यहाँ पे बुक के ऊपर ऐसे रखना, थोड़ा अवॉइड करना। ये रखने की वजह से ज्यादा स्टैम्पिंग हो जाता है, घिस जाता है। तो थोड़ा हाथ दूर रख के अगर चलाएं, इस टाइप से कलर करें बेटर होगा। कोशिश करके देखो आज। तो चलो अभी कलरिंग स्टार्ट करते हैं पॉट से। पॉट पे मोस्टली आपको ब्राउन कलर यूज करना है, ब्लैक यूज करना है। हमारा ब्राउन कलर, और चलिए आपको गोल्डन येलो कलर। जरूरत पड़े तो थोड़ा ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। ये रहा। तो कलर का सीक्वेंस कुछ ऐसा ही रहेगा, डार्क टू लाइट, ठीक है। हाँ अच्छा वेरी गुड, करेक्ट। तो कलर सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, डार्क टू लाइट जाएंगे हम, ठीक है। तो पॉट पे जहां जहां पे शेडो होना चाहिए वो जगह को ये ब्लैक यूज करेंगे। लेकिन ब्लैक को बहुत हल्के से होल्ड करना है, बहुत ही हल्के से, क्योंकि ब्लैक अगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो वो पूरे ड्राइंग को खराब कर सकते। तो जस्ट जहाँ पे शैडो होना चाहिए आप पहले देख लो, उसके बाद करो। पहले देख लो, पहले देख लो बैक को कैसे यूज कर रहे हो, उसके बाद मैं वेट करूंगी आपका होने तक। पहले देख लो कैसे यूज कर रहे। ये देखो कितना हल्के से होल्ड किया, और उसे
शेडेड एरिया को कवर करें, तो वहां पे शेडो होना चाहिए।